हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा एंड आज है करवा चौथ से एक दिन पहले, मतलब आज है 12th ऑफ अक्टूबर। अभी भी मैं सितंबर में ही चल रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज ही करवा चौथ का व्लॉग शुरू कर देती हूँ। 13th को मैं उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो अभी घर पे आने वाली है मेहंदी लगाने वाली दीदी, तो इस बारी मैंने घर पे ही बुलाई है, घर पे ही लगवानी है बेसिकली, क्योंकि अभी तो मैं बहुत ज़्यादा बाहर जा नहीं रही हूँ। जिनको नहीं पता है, आई जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी, सो एटलीस्ट 40 डेज़ के लिए बहुत जगह ये ट्रेडिशन होता है और हम लोग भी यही फॉलो करते हैं कि 40 डेज़ यानी कि सवा महीने तक घर पे ही रहो। हाँ, मैंने बता दिया सबको। सो या अभी हो गए 2:30 से ज़्यादा और हम उन्हीं की वेट कर रहे हैं। शी विल बी हियर इन एनी टाइम। और अगर आपको बहुत शांति लग रही है और सोच रहे हो कि हमारा दूसरा बेबी कहाँ है, तो दूसरा बेबी अभी सो रहा है और उसके सोते सोते ही मैं चाह रही थी कि मेहंदी वाली जो है वो आके मेहंदी लगवा जाए, क्योंकि अभी इस टाइम पे घर पे कोई नहीं है। नॉर्मली मेरे घर पे हमेशा कोई ना कोई रहता है मेरे साथ, इधर माई पेरेंट्स या दादी या नानू या मासी या नानी। सो इधर माई पेरेंट्स और माई इन-लॉज हमेशा कोई ना कोई होता है, बट अभी क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है तो इसलिए उनको भी जाना पड़ा अपने अपने रिस्पेक्टिव घरों में। तो अभी फिलहाल के लिए मैं वेट कर रही हूँ अपनी मेहंदी वाली दीदी की, वो जल्दी से आए और हम मेहंदी लगवाएं। उसके बाद मैं थोड़ा सा स्किन प्रेप करूँगी, क्योंकि मैं बाहर तो जा नहीं रही हूँ, तो आई एम नॉट गेटिंग एनी फेशियल और स्किन क्लीनिंग डन, वो मैं घर पे ही करूँगी। तो बट उससे पहले आई हैव टू गेट माई मेहंदी डन, सो आई विल जस्ट कॉल हर। तो अभी मैं फटाफट से कॉल कर लेती हूँ उनको और पूछ लेती हूँ कहाँ पर है। एंड आई होप आप लोगों की भी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। और या लेट्स गेट द व्लॉग गोइंग, लेट्स गेट द फेस्टिविटीज गोइंग एंड हैप्पी करवा चौथ टू all of you in advance. Aram se. Good ya, good morning. Laddu. Ninni kar li thi. Utri aapki little sister? Yes. Agar ye baby hai to ye kya hai? Kaun hai ye? Kaun hai tu? Kaun hai tu? वो टकलू बेबी है। टकलू बेबी है। ये थोड़ा सा हेयर वाला बेबी है। इसको देखो, मम्मा ने बड़ा लगा दिया था पर छोटा हो गया। तो छोटा बेबी आ जाओ, आओ आओ आओ। गाइस, सो अपडेट ये है कि अभी और आधा घंटा लगेगा मेहंदी वाली को आने में। सो तब तक हम क्या करते हैं, मैंने एक पैकेज मंगवाया था, ये जो कि मैंने अपने करवा चौथ के लिए ड्रेस मंगाई थी, जो कि मेरी बहुत लास्ट मिनट परचेज थी। उसमें ऑप्शन था कि अच्छा ये अमेज़ॉन से, एक मैंने अमेज़ॉन से करी थी ऑर्डर, एक मैंने मिंत्रा से करी थी, बहुत लास्ट मिनट करी थी। सिर्फ 2 दिन का मैं उसनी ड्रेसेस पे मैं गई जो 2 दिन में डिलीवर हो सकती थी, क्योंकि मेरा एक्चुअली साड़ी पहनने का बहुत मन था, बट मुझे डाउट हुआ कि क्या पता मुझे अभी ब्लाउज़ कोई ना पूरा आए। तो मैंने चांस ना लेते हुए मैंने सोचा मैं अपने एक प्लान बी के लिए ड्रेस ऑर्डर कर देती हूँ। सो इसलिए मैंने 2 ड्रेसेस ऑर्डर कर दी, उसमें से एक तो आज डिलीवर हो गई है। सो लेट्स सी कैसी है। मम्मा हैप्पी, I'll be happier कि अगर ये ड्रेस अच्छी थी। ओके, पैकिंग तो बहुत बढ़िया लग रही है, मतलब पैकिंग से तो लग रहा है कि सूट काफी अच्छा है, बड़े अच्छे से पैकेज में आई है ये। जू चिपक गया। अब इसको खोल के देखते हैं कि एक्चुअली में सूट है कैसा। ये एक्चुअली में ऐसा सूट है, थोड़ा वाइन कलर का है और थोड़ी फेस्टिवल वाली लुक तो थी इसकी, बट आई रियली डोंट नो। प्यू, कैन यू प्लीज स्विच ऑन द लाइट? ओके, बेटर। तो ये सूट है गाइस, नॉट बैड। इसका नेक तो थोड़ा फेस्टिवल वाला लुक दे रहा है एंड कलर इज़ ऑल्सो, आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट कलर लग रहा है, बट एक्चुअली दिस इज़ लाइक डार्क मरून वाइनिश कलर एंड कपड़ा इज़ कॉटन। पहन के आई डोंट नो कैसा लगेगा, बट देखने में तो ठीक ठाक है। कॉटन है। अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं यही पहन लूँगी। चलो खैर, एनीवेज अगर मैंने कल पहना तो आपको पता लग ही जाएगा। एक और मैंने मिंत्रा से भी ऑर्डर किया है, आजियो से ऑर्डर किया है, मिंत्रा से नहीं ऑर्डर किया। लेट मी सी वो कैसा है। अगर वो मैंने थोड़ा रेडिश कलर में किया है, तो अगर वो अच्छा आया तो वो पहन लूँगी, नहीं तो ये पहन लूँगी। अभी देखती हूँ साइज़ वाइज का, आई रियली डोंट नो कैसा है,
तो गाइज अभी 5 बजने वाले हैं और मेहंदी वाली ने तो हद मचा दी है, अभी तक नहीं आई है और मुझे लग पड़ी थी भूख। तो सो दिस पंजीरी आई एम टेकिंग, ये नॉर्मली यू नो आफ्टर योर बेबी आप लेते हो, बहुत अच्छी होती है ये। सो ये मैं दूध के साथ खा लेती हूँ, आपकी हीलिंग प्रोसेस के लिए बहुत सही होती है ये। और अभी थोड़ा मौसम भी ठंडा हो रहा है। सो दिस पंजीरी इट हैज़ लाइक लॉट ऑफ नट्स एंड ऑल एंड यू नो गोंद वोंद वो सब डलता है इसमें। और पंजीरी एंड माय मिल्क, दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग नाउ बिफोर मेहंदी। 1 बजे से 5:30 बज गए आज, फाइनली सृष्टि इज हियर। मुझे मेरे हस्बैंड का भी नाम लिख देना, आज के दिन तो बनता है, मतलब कल के दिन। जय करी उसको, बेबी को देख के आओ सो रही है। पहले तो हम तेल लगाते थे, अब नहीं लगाते हैं आजकल। पहले पहले तो हमेशा ही लगाते थे ना ऑयल लगाने से पहले, आजकल मैंने देखा बंद हो गया है लगाना। मेहंदी में मिला हुआ आता है क्या आजकल? हाँ, और वो ऑयल लगाने के बाद ना इतने अच्छे फिनिशिंग नहीं आते, फैलने लगता है। पहले क्यों लगाते थे फिर? पहले के ऑयल अच्छे थे ना, बहुत ज़्यादा लिक्विड वाले आते हैं। अच्छा, मुझे लगा पहले लोगों को पता नहीं था। हम लगाते हैं, हमें तो नहीं आ पाते ऐसे डिज़ाइन। डिज़ाइन तो मुझे इसलिए आते हैं ना, वो मैं आर्ट करती हूँ ना, तो इस वजह से। अच्छा, मंडाला आर्ट? हाँ, मंडाला बनाते हो तभी। गाइस सो फाइनली माय मेहंदी इज डन, मेरी मेहंदी लग गई है आज। 1 बजे की वेट करते करते 7 बज गए, बट चलो फाइनली मेरी मेहंदी लग गई है। ये मैंने मेहंदी लगवाई है, मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइन दिखा देती हूँ, फाइनल लुक आप कल ही देखना। थोड़ी सी मैंने हटा दी, मतलब झड़ गई अपने आप ड्राई होके, और बाकी रहने दी। ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ, वो लिख के तो बहुत स्टाइल से और बड़ी कर्सिव राइटिंग में लिख के गई है, बट ये शायद आपको नहीं समझ आ रहा होगा, ये इसने लिखा है सिड, सिद्धार्थ का नाम। अब मुझे करना है अपना स्किन प्रेप, अब या तो मैं रात को ही करूँगी, हाँ रात को ही करूँगी, कल तो करने का फ़ायदा नहीं है। तो और पीहू गई है नीचे 6th फ्लोर पे, मेरी फ्रेंड रहती है, उसने भी मेहंदी लगवानी थी तो वो उसके घर ही चली गई। अभी मैं करूँगी अपना थोड़ा सा फेस पैक वगैरह लगाऊँगी, स्क्रबिंग करूँगी, तो वो करते हुए या तो आपको मिलूँगी या फिर मैं सीधा मिलूँगी आपको कल करवा चौथ पे। सो स्टे ट्यून एंड आई होप आप लोगों की भी तैयारियाँ शारियाँ अच्छे से चल रही हैं, मेहंदी मेहंदी लग गई है, कैसी लगी है, कैसी रची है मुझे सब बताना नीचे कॉमेंट्स में लिख के। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना एंड बने रहो व्लॉग में, कल इकट्ठे करवा चौथ सेलिब्रेट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। देख रहे हो मेरी स्किन कितनी ऑलरेडी कितनी एक्सफोलिएटेड और साफ साफ सी लग रही है, मतलब मुझे तो लग रही है। एंड अब मैं लगाने वाली हूँ मास्क, फेस मास्क या फेस पैक। सो ये है फेस पैक जो मैं लगाने वाली हूँ, दिस इज़ फ्रॉम फैब इंडिया, और ये है नीम तुलसी का फेस पैक जो मैं लगाने वाली हूँ। इसमें अगर आप देखोगे ना तो तुलसी के लीव्स हैं एक्चुअली में, तो ये मैं लगाने वाली हूँ अभी। इसके ड्राई होने के बाद आई जस्ट रिमूव इट एंड उसके बाद मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर। सो माय स्किन प्रेपिंग इज आल्सो डन। सो आज के लिए आई थिंक इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अब मैं आपको मिलती हूँ कल ऑन करवा चौथ। प्लीज
वेलकम बैक. सो टुडे इज करवा चौथ, सो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू. और अभी हो रहे हैं 3:30, 4:15 हो रहे हैं इनफैक्ट. एंड मैं बस रेडी होने वाली थी तो मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग शुरू कर देती हूँ. सुबह से मैंने व्लॉग बिल्कुल नहीं किया क्योंकि आज पता नहीं क्यों मेरा इतना हेडेक हो रहा है. रात को मुझे नींद बहुत कम आई, मैं 3:30-4 बजे से ही जगी हुई थी तो अभी मुझे बहुत नींद आ रही थी और हेडेक भी बहुत हो रहा था. सो सुबह मैंने व्लॉग बिल्कुल इसीलिए नहीं किया. एंड बाय द वे मेरा ये वाला जो फास्ट है वो है फ्रूट्स वाला फास्ट, बिकॉज अभी आई एम फीडिंग माई बेबी सो मैं बिल्कुल पूरे दिन तो खाली पेट नहीं रह सकती, तो इसलिए मेरा फ्रूट्स वाला फास्ट है. और अभी बस पूजा होने लगी है तो मैं आपको रेडी होके मिलती हूँ और सिद्धार्थ से भी मिलाती हूँ. सो स्टे ट्यून एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन. हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ. अपनी लुक तो दिखाओ, साड़ी वाली, एक ही साड़ी वाली है जरा, हमारे ग्रुप की एक ही साड़ी वाली है. सही लग रही है, मस्त लग रही है, बढ़िया. से हाय. जंगल में जाके उन्होंने आग लगाई जंगल में और आगे एक कपड़ा रख के बोला दिस चांदनी. फोटो सेशन हो गया. ये प्रियंका, रीना, अनीता, समीक्षा, कौन है तू, ज्योति. वो वाली रीली, कौन है तू, तू कौन है. हैप्पी करवा चौथ सबको बोल दो. दूधू कोई पीता नहीं है, कोई देता भी नहीं है. दूधू पूरे दिन रोंदा रहता है. कैसे रो रहे हो. फाइनली सिद्धार्थ इज हियर इन द व्लॉग. हाउ आर यू. आई एम फाइन. Happy Karwa Chauth. So, to all you want of to say you. Anything today for your special day? Absolutely. What do you want to say? Ek Karwa Chauth to easy nahi hota. It's like very difficult task. Koi aap pure din khana na khao. So hats off to all the ladies. So in return aapko kya dena chahiye? Ladies kya chahiye aapko batao aap? Pyar. Pyar milega aapko, mil raha hai. Bahut pyar. मिल रहा है आपको प्यार, बहुत प्यार मिल रहा है आपको. ओके एंड माय गिफ्ट इज स्टिल ड्यू जो मैं ले लूंगी थोड़े टाइम बाद. नहीं नहीं 100% ठीक है. हमारी नीचे के ग्राउंड का व्यू बहुत ही सुंदर सजाया इस बारी. हाँ सच ये भी तो बता दूँ. और ये जो आप देख रहे हो रेड कलर का, ये लग रहा है स्टेज क्योंकि दिवाली फेट लगेगा जिसपे परफॉर्मेंसेज होंगी. और आप क्या कर रहे हो नीचे प्रोग्राम में दिवाली फेट में. पीयू बनेगी सीता, हमें उसकी प्रैक्टिस भी करनी है. अभी तक हमने कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी. एंड डिनर की तैयारी हो चुकी है. डिनर में मैंने बनवाई है दाल मखनी. हमारे यहाँ पे करवा चौथ पे हमेशा दाल मखनी ही बनती है. ओ दिस इज द दाल मखनी. आहा देख के ही भूख लग रही है, खाने का मन कर रहा है. बस अब वेट हो रही है चंदा मामा की. आई थिंक दिल्ली में 8:09 पे कह रहे हैं निकल जाएगा चांद. अभी बस आधा घंटा और बचा है. सिद्धार्थ हैज गॉन टू मार्केट फॉर सम वर्क. फ्रूट्स का रखने के बावजूद यू नो एक जो नमक की कमी लगती है ना आपकी बॉडी में व्हेन यू डोंट टेक सॉल्ट, तो जो वीकनेस लगती है शाम को, थोड़ा सा सिर दर्द होता है और थोड़ी सी वीकनेस लग रही है, बस मुझे वही फील हो रहा है. और प्यास तो लगी रही है ऑफकोर्स, पानी तो मैंने नहीं पिया है. तो बस अब फटाफट से चांद निकले तो हम चलें अपने छत पर टेरेस पे और पूजा करें और अपना फास्ट ब्रेक करें एंड देन वी विल रैप दिस ब्यूटीफुल फेस्टिवल ऑफ करवा चौथ. सिद्धार्थ इज बैक फ्रॉम द मार्केट. क्या लाया क्यों लेकिन क्यों. नहीं इतना तो बनता है यार, तुम इतना प्यार करते हो, इतना अंडरस्टैंड करते हो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. नहीं जाता यार. आप देखो जरा कैसा है. नहीं थैंक यू
कैसा लगा आपको? बहुत ब्यूटीफुल, मेरे पास ये कलर है भी नहीं, मुझे लग ही रहा था। थैंक यू, आई लव इट।